कुंशामली स्थानीय प्रशासन को 7 दिनों के स्थान पर 9 दिनों का दिया समय दरवाजे बंद कराने का। शहीद भगत सिंह पार्क पर कब्जे के विरोध में समाधि लेने की तैयारी पर प्रशासन में मचा हड़कंप, भारी पुलिस बल तैनात रहा मौके पर। शहीद भगत सिंह स्थल पर अवैध कब्जे न हटाए जाने की वजह से विजय हिंदुस्तानी द्वारा आज 19 अगस्त में समाधि लेने की घोषणा की गई थी। विजय हिंदुस्तानी अपने करीब 2 दर्जन साथियों के साथ जैसे ही शहीद भगत सिंह पार्क पर पहुंचा तो वैसे ही उन्हें देखकर तहसील और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। करीब 5 घंटे तक सभा स्थल पर भाषणबाजी रही। पुलिस ने घटनास्थल से जेसीबी को हटाना चाहा तो शहीद समर्थकों ने कुछ नोकझोंक भी हुई। उसके बाद समाधि लेने के लिए फावड़ों से ही करीब 2 फीट जमीन खोदी गई, मगर उन तहसीलदार मृदुला दुबे ने 3 दिन में अवैध कब्जा हटवाने की बात कही और देशभक्ति टीम से 7 दिन का समय मांगा, मगर विजय हिंदुस्तानी ने बताया कि हम अपनी ओर से 9 दिन का समय दे रहे हैं। झुंझाना थाने के कस्बा ऊन में मैन बसेरा स्टैंड पर शहीद भगत सिंह पार्क है। बताया गया कि 1971 में कुछ दबंगों द्वारा पार्क पर कब्जा किया हुआ है। कथित दबंग ने पूरी तरह से अपने मकान गेट बंद करके पार्क की तरफ गेट खोल रखे हैं। पार्क के पक्षधर विजय हिंदुस्तानी ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से पार्क पर 26 जनवरी 2024 से निर्माण कार्य शुरू हो गया था, मगर प्रशासन की वजह से ही यह कार्य अधर में लटक गया है। प्रशासन पर आरोप है कि बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन ने पार्क पर खोले गए 3 दरवाजों को अभी तक बंद नहीं कराया है, जिस पर विजय हिंदुस्तानी ने आज सोमवार 19 अगस्त को शहीद भगत सिंह पार्क पर ही समाधि लेने की घोषणा की थी। आज रक्षाबंधन भी है, मैं बहनी मानता हूँ मधुरा दुबे जी को। हमें आपसे विनम्र निवेदन है और हमें पूरी उम्मीद भी है आप लोग और उच्च अधिकारी भी इस पर 3 दिन के अंतराल में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आप 3 दिन इन्हें समय दिया गया है, अगर ये 3 दिन भी स्वयं नहीं हटाते हैं तब ये 4th दिन से फिर इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे मेरी आवाज बहुत तेज है, लिखित में दे रहे हैं इससे बड़ी कैसे दे रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन तो बना ही हुआ है। मैंने यही कहा ना, यही तो कह रहे हैं कि जो है इलीगल वो बात की है। कहाँ गए यू साहब, है ना? अब इन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है, 3 दिन इन्हें समय दिया जा रहा है। अगर नहीं करेंगे तब बलपूर्वक ढंग से किया जाएगा उस करके, इसीलिए तो कहा 1 हफ्ते का समय दे। 3 दिन का समय मांगा गया है, 3 दिन इनको दिया गया है, शामिल होगा अभी ये 3 दिन इनको शामिल किया गया जाएगा, शामिल कर देंगे। प्रति नहीं है, एक बच्ची बात करेंगे। अगर आपको मेरी बात ही नहीं सुनी थी, मैं एक बात बोली बोली बोली। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है और जनपद शामली है, और आज ये जो प्रदर्शन था, मैं प्रदर्शन नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं ये मांग थी। 1971 में भगत सिंह पार्क की नींव रखी गई थी, उस समय वीरेंद्र वर्मा मंत्री हुआ करते थे शामली के अंदर, उनके करकमलों के द्वारा भगत सिंह की पार्क की नींव कस्बा उनके बस स्टैंड के पास में रखी गई थी। इस पार्क की जो जगह है ये यहाँ पर जाम खड़े हैं, 540 गज है, और कहीं ना कहीं ये जो अभियान है, ये जो मांग है हमारी लंबे समय से चली आ रही थी, आज कहीं ना कहीं हम बात करें 26 जनवरी की 2024 की, 26 जनवरी 2024 में इस पार्क की दोबारा से नींव रखी गई और इसका कार्य चालू कराया गया, और कहीं ना कहीं कार्य पार्क का निर्माण कार्य लगभग 1 महीना चला, लेकिन जो यहां पर मकान बनाए गए हैं, जिन लोगों पर कब्जा किया हुआ है इस जगह पर 540 गज पर, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने गेट दूसरी तरफ फोड़ रखे हैं, लगा रखे हैं, क्योंकि इनके दरवाजे पहले गली की उस तरफ थे। हमारी ये मांग थी, कृपया करके आप ये गेट बंद करिएगा, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बार बार इन लोगों को नोटिस भेज रहा था, पहले भी 2 नोटिस जा चुके हैं। आज ये सुबह से हमारा धरना था, हमने 48 घंटे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, अगर ये गेट बंद नहीं होते तो हम समाधि लेंगे उसी पार्क में। कहीं ना कहीं आज अभी थोड़ी देर पहले प्रशासन ने हमारी मांगे मानी है, मात्र 7 दिन का समय मांगा है, 3 दिन का समय इन कब्जा जारी को दिया गया है, 7 दिन का समय हमारे लिए दिया गया है, और हमने 7 दिन ही हमने प्रशासन को 9 दिन का समय दिया है। आप आराम से काम करिएगा, क्योंकि हमें पता है
क्योंकि हर अधिकारी के लिए, हर वर्दीधारी के लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर हमारा देश चल रहा है तो इन क्रांतिकारियों के कारण आज के भगत सिंह वर्दीधारी, चाहे पुलिस हो चाहे हमारे अधिकारी हो, उनके कारण है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार जो कहीं ना कहीं युवाओं की जो विचारधारा है उसको दबाने का कार्य नहीं किया जाएगा। आज ये विचारधारा, पहले से हम कहते हैं भगत सिंह हमारे हीरो नहीं, भगत सिंह पूरी दुनिया के हीरो है। भगत सिंह ने वो कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता। ये गज 540 गज है, फिलहाल 70 गज जगह बची है और 80 गज जगह बची है। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि 1971 से लेकर आज तक धीरे धीरे गज जगह 70 गज में बदल गई। और आज 70 गज में भी दरवाजे खोलने को मजबूर हो गए थे, लोग कब्जा करना चाहते थे। इनके साथ में कुछ नेता भी मिले थे, कहने के कुछ अधिकारियों को भी लापरवाही थी, नोटिस मिले हैं, चार लोगों को नोटिस मिले जिनके मकान है। और ईओ साहब ने भी गलती माने कि हमारे से लापरवाही हुई है। तो कहने के हमें नहीं चाहते कि आप गलती माने की नौबत आए, आप हमारे साथ में हो। और हमें पूर्ण समझ है, कहीं ना कहीं कुछ दुविधा रही होगी, आगे ही रणनीति। हमारा पूरा परिवार है, पूरे क्रांतिकारी भाई है, सब लोग मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। हमें लखनऊ जाना है, हमें यहीं पर समाधि लेनी है, वो आगे की रणनीति इससे सख्त होगी। हम ऐसे हटने वाले नहीं है, जब तक गेट बंद नहीं होगे तब तक भगत सिंह का पारव की नींव रखी जा चुकी है। हमें गेट बंद चाहिए तो चाहिए। थैंक यू।